अभी चांद सूर्या मंदिर योगेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अभी आगे हम और जा रहे हैं खड़किया डूंगर, वहाँ पे भी मंदिर है और वो इसका डिस्टेंस अभी दिखा रहा है यहाँ से 20 किलोमीटर और 35 मिनट का रास्ता है। अभी डांग के जंगल के अंदर से जा रहे हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है और ये हम पहुंच गए पदम डूंगरी इकोटूरिज्म। ये एकदम क्राउडेड थी क्यों ना, मतलब भाई वो मजा ना आवे, यहाँ तो गाड़ियों के लिए बड़ी पड़ेली। राइट साइड में जो है वो पदम डूंगरी इकोटूरिज्म, हमें यहाँ से आगे चले जाना है। यहाँ पे तो गाड़ी है, पार्किंग है। मैप में देखा तो लेफ्ट साइड में कहीं पे तोरणी और डूंगर लिखा हुआ था, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो देखते हैं वहाँ पे अगर गाड़ी जाती है तो चलेंगे, वरना नीचे से ही दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। सो अभी यहाँ पे तोरणी या डूंगर आए हुए हैं और ये रास्ता सीधा ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को पूछा तो बोले सिर्फ बाइक जा सकती है, गाड़ी नहीं जाएगी। अभी देखेंगे आगे कहाँ तक गाड़ी जाती है नहीं जाती है। रामदेव जी का मंदिर है और यहाँ पे कुआ है, तो हमने डिसाइड किया कि पहले चढ़ के देखेंगे, अगर गाड़ी जा सकती है थोड़ी बहुत तो जाएंगे, वरना फिर हमारा जो मेन डेस्टिनेशन था खड़किया डूंगर जिसके लिए हम आए थे वहीं पे आगे बढ़ेंगे। अभी ये वाले रास्ते पे आगे ट्रेकिंग करके देखते हैं, रास्ता थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। अभी ये रास्ता तो बहुत आगे दूर तक जाता है और अभी धूप में उमस भी लग रही है ज़्यादा, तो किसी और दिन आएंगे चलो वापस, ये तो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होने वाला, एक अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा उसके लिए तोरण या डूंगर के लिए, क्योंकि रास्ता पर टूटेलो से यहाँ से जो अरे बच्चे लेवा मन लेवा माँ क्या थी लेवा गाड़ी तो आ जाती पर अभी रिस्क नहीं लेना है, अभी पहले खड़किया डूंगर पहुँचते हैं और गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो चलते हैं खड़किया डूंगर की। पदम डूंगरी से वास्ता जाते हुए रास्ते में ही तोरणिया डूंगर नाम की एक जगह है जहाँ नीचे रामदेव जी का मंदिर है और छोटा सा ट्रैक करके ऊपर डूंगर पे भी एक मंदिर बनाया हुआ है। ह्यूमिडिटी होने के कारण और टाइम की कड़की होने के कारण हमने ये डेस्टिनेशन कभी और करने का डिसाइड किया और ये ह्यूमिडिटी को दूर करने के लिए हमने ये कुएं के पानी का फुल मजा लिया, और सच बताओ तो ये ठंडा पानी से जो ठंडक मिली वो लाजवाब थी। छोटी सी बाल्टी ऐसी बाल्टी से मुंह धोएंगे पीने लायक पानी है। आजकल के जमाने में भी ऐसे कुएं देखने को मिल रहे हैं, ये जान के अच्छा लगा। अभी हमने वास्ता क्रॉस कर लिया है, तो खड़किया डूंगर जाने के लिए वास्ता से यहाँ से लेफ्ट लेना, सामने लिखा हुआ है पवित्र उपवन, तो अभी यहाँ से लेफ्ट लेके आगे चलना है अपने को, तो चलते यही रास्ते पे आगे। अभी बजे है 3 और अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी आलस बहुत आ रही थी। और ये देखिए यहाँ पे पवित्र उपवन 2.5 किलोमीटर ये वाले रास्ते से आगे जाना है, और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया है और चाय पिएगी अभी। सो चाय वाय पी के बैटरी चार्ज कर ली हमने गोप्रो की भी और अपनी भी, और अभी पानी वगैरह पी के चलते हैं आगे। अभी ऊपर जो डूंगर दिख रहा है हमें वहीं पे जाना है,
और यही रास्ते पे आगे जाना है। पहले तो यहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं था, जो वीडियो में मैंने देखा था उस हिसाब से। अभी ये कपची वगैरह लगा दिया है तो यहाँ पे भी रास्ता बना देंगे शायद। भीड़ भाड़ से कोसों दूर आइसोलेटेड प्लेस पे जंगलों के बीच में ऐसे रास्तों पे सफर करने जो खुशी मिल रही थी वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो यही रास्ते से हम आगे पहुंच गए खड़किया डूंगर। सो फाइनली अभी पहुंच गए हैं खड़किया डूंगर के ऊपर। अभी रास्ता बन रहा है और ये ऊपर हिल्स के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है, अंबे माता का मंदिर है। तो चलो दर्शन करते हैं। तो ये पवित्र उपवन जो खड़किया गांव में आया हुआ मंदिर है अंबे माता का, और बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे पूरा गार्डन वाला सब एरिया बनाया हुआ है। और ये गार्डन है पूरा, और ऊपर से व्यू ज़बरदस्त आ रहा है। अभी यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं चल रही तो गर्मी ज़बरदस्त लग रही है और प्यास भी बहुत लग रही है। और ये पीछे मंदिर है और यहाँ पे ऐसा व्यू पॉइंट जैसा बनाया हुआ है, जैसे अजमलगढ़ में बनाया हुआ है वैसा व्यू पॉइंट है। और व्यू पॉइंट पे ये नज़ारा, बादल बदी बाजू जी बनी गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी हो रही थी, अभी छोटी छोटी बारिश की बूंदें आ रही है और हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई है। तो अभी थोड़ा मज़ा आ रहा है। और अंजू यहाँ पे बच्चों का खेल खेल रही है, और यहाँ पे खेलने की चीज़ें, बादल अभी ऊपर घने छाए हुए, छोटी छोटी बूंदें निकल रही है, और यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं पप्पा, और यहाँ पे मंदिर में पूजा हो रही है। चलो फिर थोड़ा एंजॉय करते हैं। ड्रोन उड़ाने की कोशिश किया है, ड्रोन में कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, तो अभी ड्रोन उड़ाने में मज़ा आया थोड़ा। अभी और आगे भेजना है थोड़ी बारिश कम हो जाए तो। पहाड़ों से घिरे हुए ये खड़किया डूंगर की चोटी पे ये मंदिर सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, खास करके ऐसे बारिश के मौसम में, और ज़्यादा क्राउड ना होने से ये जगह कुछ ज़्यादा ही पीसफुल लग रही थी। आजकल की दौड़धाम वाली लाइफ में से कुछ टाइम निकाल के ऐसी जगह विजिट करना तो बनता है यार।